ये मुझे लगता है कि ये लोग जो है कुछ राजनीति के लिए इतने नीचे स्तर पर गिर सकते हैं। क्या मतलब इसका होता है? आप हनुमान चालीसा पढ़िए, बहुत अच्छी बात है, सब लोग अपने धर्म पर चलें, इससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती, उसका वेलकम होना चाहिए। और हम कहते हैं कि अगर हनुमान चालीसा पढ़ते हैं मंदिर के पास और उनको पानी की ज़रूरत है, उनको जूस की ज़रूरत है, उनको शरबत की ज़रूरत है, तो हम मुसलमान जाकर वहाँ पर उनको शरबत पिलाने को तैयार है। परंतु हमारी मस्जिद के सामने आकर के आप जो है हनुमान चालीसा पढ़ोगे और डबल आवाज पढ़ोगे तो याद रखना हमको ऐसे चूड़ी पहन के बैठे नहीं है, समझे? आप रोज़ हमको चैलेंज मत करो, कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश मत करो, तुम जाओ पुलिस के पास, कंप्लेन करो जहाँ गलत है, लेकिन ज़्यादा चढ़ोगे ना तो एक्शन के एक्शन होगा। दोस्तों, खबर पर नजर में आपका स्वागत है। आज हम राज ठाकरे की अयोध्या यात्रा पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, बाला साहब ठाकरे ने महाराष्ट्र की भूमि पुत्रों की खातिर शिवसेना बनाई। उनका निशाना दक्षिण भारत के लोग थे। जनसंघ के चक्कर में फंसकर वो हिंदू हृदय सम्राट बन गए और मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने लगे। राज ठाकरे ने जिस समय महाराष्ट्र नव निर्माण सेना बनाई तो उस वक्त उद्धव ठाकरे ने भगवा चोला ओढ़ रखा था, इसलिए राज ठाकरे भूमि पुत्र बनकर उत्तर भारतवासियों के विरुद्ध जहर उगलने लगे, बल्कि उनको मारने पीटने से भी नहीं चुके। अब जबकि सत्ता की खातिर उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व के बजाय भूमि पुत्रों वाली भूमिका अपना ली है, तो उनका फेंका हुआ भगवा चोला ओढ़कर राज ठाकरे ने हिंदू हृदय सम्राट बनने का निर्णय ले लिया। इस चक्कर में राज ठाकरे ने 5 जून को अयोध्या जाने की घोषणा कर दी ताकि वहां जाकर राम लल्ला के दर्शन कर सकें। राज ठाकरे पिछले कुछ दिनों से भाजपा के चक्कर में लाउड स्पीकर से अजान के खिलाफ हनुमान चालीसा पढ़ने का अभियान चला रहे हैं। राज ठाकरे को अपेक्षा रही होगी कि उनकी इस घोषणा से भाजपा प्रसन्न चित्त हो जाएगी, लेकिन उल्टा हुआ। उत्तर प्रदेश में बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह ने ऐलान कर दिया कि वो महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के चीफ राज ठाकरे को अयोध्या में नहीं घुसने देंगे। उन्होंने ऐसा क्यों कहा, ये आप खुद उन्हीं से सुनिए। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह मेरे साथ हैं। सर, आप उत्तर प्रदेश से सांसद हैं, खुश होंगे राज ठाकरे अब हिंदुत्व की बात करने लगे हैं? वो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, अच्छी बात है, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें दिक्कत है उत्तर भारतीय के अपमान से। और मैंने टीवी पर देखा कि वो अयोध्या आना चाहते हैं, भगवान राम का दर्शन करना चाहते हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं। तो उसी पर मैंने ट्वीट किया कि अगर उन्हें भगवान राम का दर्शन करना है, मुख्यमंत्री से मिलना है, अयोध्या आना है, तो आम आदमी बन करके कोई भी आ सकता है, जा सकता है, लेकिन अगर गाजे बाजे के साथ आना है तो उत्तर भारतीय राम के ही वंशज हैं जिनको आपने पीटने का काम किया है। देखिए, ये जात व्यवस्था या मजहब व्यवस्था ये बहुत बाद में आकर के बनी है। हम सब अपने आप को राम का वंश मानते हैं, चाहे यूपी के लोग हों, चाहे बिहार के लोग हों, चाहे सब राम के ही वंश हैं, इतिहास में जाने की ज़रूरत नहीं है। और मराठी मानुष और उत्तर भारतीय का मुद्दा इस व्यक्ति ने पैदा किया और विद्यार्थियों को मारा, पत्रकारों को मारा, टैक्सी वालों को मारा, ठेला वालों को मारा, इंडस्ट्री वालों को मारा, मतलब इस आदमी ने अपमानित किया और कभी ये बॉम्बे के बाहर नहीं निकला और आज ये अयोध्या दर्शन करने आना चाहते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि अयोध्या अगर आपको आना है तो अगर आपने गलती की है तो उसको आप सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगें। और मैंने एक सलाह देने का काम किया कि मुख्यमंत्री जी को जन भावना को देखते हुए इस व्यक्ति से नहीं मिलना चाहिए जब तक ये माफ़ी ना मांगे। माफ़ी अगर नहीं मांगते हैं, जो कि राज ठाकरे भी आप जानते हैं काफ़ी मजबूत नेता हैं और इससे पहले लगातार कई बार इस तरह की बातें हुई हैं, लेकिन इस बार पहली बार, चूंकि इस बार तो ऐसा लगा कि जैसे भाजपा उनके पीछे खड़ी है, लेकिन आप बीजेपी के सांसद, आप करें अगर माफ़ी नहीं मांगते हैं तब उसके बावजूद अयोध्या आते हैं तो क्या करेंगे फिर आप लोग? देखिए, ये मेरा व्यक्तिगत बयान है, मैं व्यक्तिगत कैपेसिटी में यह बयान दे रहा हूँ, पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। और अगर वो मजबूत है तो कमज़ोर हम भी नहीं हैं। अगर आएंगे तो क्या करेंगे ये वक्त बताएगा। मैं घुसने नहीं दूंगा, मैं उनको घुसने नहीं दूंगा। अगर माफ़ी नहीं मांगते हैं तो मैं उनको घुसने नहीं दूंगा और
लाखों की संख्या हो सकती है मेरे साथ, 10 लाख लोग हो सकते हैं मेरे साथ, जब तक वो माफी नहीं मांगेंगे मैं घुसने नहीं दूंगा। और ये मेरा व्यक्तिगत बयान है। हाँ तो दोस्तों आपने सुना, ब्रिजभूषण ने कहा कि अयोध्या आने से पहले राज ठाकरे को उत्तर भारत के लोगों से हाथ जोड़कर माफी मांगनी होगी। इसके साथ उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अगर राज ठाकरे माफी न मांगे तो मुलाकात नहीं करने का सुझाव दिया। बीजेपी के सांसद ने यह भी कहा कि राम मंदिर आंदोलन से ठाकरे परिवार का कोई लेना देना नहीं है। मजे की बात यह है कि राज ठाकरे से पहले मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे और राज्य में मंत्री आदित्य ठाकरे ने अयोध्या जाने की घोषणा की थी, मगर किसी ने इसका विरोध नहीं किया। यानी जहां एक तरफ शिवसेना, राष्ट्रवादी और कांग्रेस एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, वहीं हिंदुत्ववादी एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हुए हैं। यही उनकी परंपरा है, वो तो मुसलमानों की दुश्मनी उनको एक दूसरे से एकजुट करती है, वरना ये आपस में लड़ मरें जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और अमित शाह एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए हैं। तो देखना होगा कि आगे चलकर राज ठाकरे अयोध्या जाने की हिम्मत करते हैं या नहीं करते, और उनको रोका जाता है या नहीं रोका जाता, और जब उनको रोका जाता है तो उनका क्या हशर होता है। हाँ तो दोस्तों ये थी हमारी आज की समीक्षा, आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक या शेयर करें। हम बहुत जल्द किसी नए विषय के साथ आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।